बच्चों लॉजिक फॉलोअर्स हमेशा लॉजिकल बातों का समर्थन करना चाहिए और इलॉजिकल बातों को नकार देना चाहिए, विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश करना चाहिए। लेक्चर नंबर 68 लॉजिक गेट सेकेंड लेक्चर। लास्ट टाइम पे तुमने सीखा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। ये वास्तव में सॉफ्टवेयर होते हैं, दीज आर सॉफ्टवेयर, यानी वो प्रोग्राम जिस पर डिजिटल सर्किट काम कर रहे हैं। फंडामेंटल लॉजिक गेट में नॉट और एंड, ये तीन गेट हैं, जिसमें से तुमने नॉट के लिए लॉजिक सिंबल बनाना सीखा, जिसको हम करेक्टरिस्टिक सिंबल भी कहते हैं। उसके बाद तुमने नॉट से रिलेटेड पांच चीजें सीखी, बुलियन एक्सप्रेशन, रियलाइजेशन सर्किट। रियलाइजेशन सर्किट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो सीखा, यूजिंग ट्रांजिस्टर और ट्रुथ टेबल एंड टाइमिंग डायग्राम। और गेट पढ़ रहे थे हम, और गेट में तुमने रियलाइजेशन सर्किट तक बना लिया था। उसके आगे ट्रुथ टेबल, अगर किसी लॉजिक गेट में दो इनपुट हैं और मैं ट्रुथ टेबल बनाना चाहता हूं, तो जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, चार संभावनाएं हैं। अरे मैंने टेबल बना दी, तुम कहां पर हो? हाँ बना दी तुमने टेबल, तुम जिसने चश्मा लगा रखा है और हाथ में नीले रंग का पेन पकड़ा है और पीछे देख रहा है खुद ने हाथ में नीले रंग का पेन पकड़ा है जिसका लाल रजिस्टर है, क्या तुमने टेबल बना ली? फिर किसका इंतजार है? जब भी हमें ट्रुथ टेबल बनानी है और दो ही इनपुट हैं, तो ये श्योर है कि दो कॉलम तो तुम भर ही सकते हो, 0001 1011, इसमें कुछ भी सोचने का नहीं है, ये संभावना है कि इनपुट ये हो सकता है। तो अगर और लॉजिक को लगाएं तो हमको पता है केवल तब जीरो होगा जब दोनों इनपुट जीरो होंगे, कोई भी अगर वन हो गया तो आउटपुट वन, तो यहां पर जीरो होगा, यहां वन होगा। फिर इसके लिए हमको टाइमिंग डायग्राम बनाना है, पर टाइमिंग डायग्राम एक साथ बनाएंगे सभी गेट्स का। तो अगला गेट ले लेते हैं, नेक्स्ट है एंड, एंड गेट। इसके लिए सिंबल बना रहा हूं मैं, एक रेक्टेंगल जिसकी तीन साइड तो परफेक्ट होंगी, चौथी साइड कर्व्ड होंगी, इस तरह से कर्व कर्वेचर को लेकर, दो इनपुट एक आउटपुट, आउटपुट वाई, इनपुट ए एंड बी, जो रिलेशन होगा जिसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, वो होगा वाई इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी में कोई भी अगर जीरो हो गया तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में हाई आउटपुट मिलेगा जब दोनों वन होंगे। तो अगर देखा जाए तीनों गेट को लाइन से देखें, नॉट गेट की विशेष पहचान सिंगल इनपुट, एक इनपुट है तुम सीधे पहचान सकते हो नॉट गेट। और गेट में स्पेशल क्या है, और गेट का यूनिक फीचर है केवल तभी जीरो होगा जब दोनों जीरो होंगे, दिस इज यूनिक फीचर जिससे हम और गेट को पहचानेंगे। व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो देन ओनली इट्स आउटपुट इज लो, ये लैंग्वेज लिखी रहती है क्वेश्चन में, इसलिए मैं जानबूझ के लैंग्वेज बोल रहा हूं। एंड का यूनिक फीचर, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई ओनली व्हेन आउटपुट इज हाई, तो ये एंड का फीचर, जब दोनों इनपुट वन होंगे तो आउटपुट वन होगा। इसके लिए मैं रियलाइजेशन सर्किट बनाता हूं सिंपल वाला जिससे तुम फैमिलियर हो। तो मैंने दो की को सीरीज में लगा दिया बल्ब को जलाने के लिए, सर्किट देखकर तुम बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हो जब तक दोनों कीज
ऑन नहीं होंगी तब तक बल्ब नहीं जलेगा. ऑन है तो वन, ऑफ है तो जीरो. कोई एक ऑन होगी नहीं चलेगा. सर्किट इनकम्प्लीट, दोनों ऑफ होगी नहीं चलेगा. सिर्फ तभी चलेगा जब दोनों ऑन होगी. पर ये तुम्हें बनाना है यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर. अब ट्रांजिस्टर सिर्फ नॉट गेट में काम आता है. जहां भी नॉट गेट होगा वहां ट्रांजिस्टर होगा, अदरवाइज ट्रांजिस्टर नहीं होगा. तो पीएन जंक्शन डायोड लगेंगे. कैसे लगेंगे? कल जैसे मैं बता रहा था तुम्हें याद रहा हो, एंड में एन टाइप पहले और में पी टाइप पहले. यानी लगभग वैसा ही सर्किट है, बस अंतर है तो इतना कि पीएन जंक्शन डायोड का एन टाइप पहले आ जाएगा. अगर और गेट होता है तो पी टाइप. याद रखने का तरीका एंड एन लिंक हो गया. दीज आर टू टर्मिनल्स ए एंड बी. ये रेजिस्टेंस अब ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसरी है. वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ये होगा. आउटपुट लेंगे इन दो टर्मिनल्स के बीच. इनपुट लगाने के लिए हमारे पास बैटरी अवेलेबल है. अगर मैंने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा तो इनपुट वन जाएगा, नेगेटिव से जोड़ता हूं तो इनपुट जीरो जाएगा. यहां तक तो और जैसा ही है कि उल्टा है इसको छोड़कर. एडिशनल एक डिटेल और गेट से डिफरेंट है वो ये कि और गेट में रेजिस्टेंस आर को अर्थ के सिंबल से जोड़ा था नेगेटिव से, यहां बैटरी से जोड़ना होगा. इस बैटरी का रोल है यहां पे. तो जब भी तुम बैटरी का सिंबल बना रहे हो और अर्थ का, दोनों में अंतर होना चाहिए. इस डायग्राम में एक लुक आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से एंड का सिंबल बना देते हैं. अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं. ओके, दिख रहा है तो अच्छी बात है. हाँ, रेड से नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं. क्योंकि वो जरूरी नहीं है. अब हमें देखना है कि ये एंड गेट की तरह काम कैसे कर रहा है. एंड गेट की तरह काम करने का मतलब केवल तब वन होगा जब दोनों वन होंगे. दोनों को वन कर देते हैं, यहीं से शुरू करते हैं. दोनों को वन से जोड़ दिया, ए को भी वन से जोड़ दिया, बी को भी वन से जोड़ दिया. ये बैटरी मान लो 3 वोल्ट की है, सेम बैटरी यहां पर, यह भी 3 वोल्ट की है. इधर से एन साइड को मिल रहा है 3 वोल्ट और पी साइड को मिल रहा है 3 में से यहां कुछ ड्रॉप होने के बाद बचा हुआ वोल्ट. तो बताओ डायोड एफ बी हुआ कि आर बी हुआ, फॉरवर्ड बायस के रिवर्स बायस. जब पी साइड को हायर मिलता है और एन साइड को लोअर तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायस. पर यहां पर उल्टा है, एन साइड को हायर 3 मिल रहा है, पी साइड को लेस देन 3 लोअर मिल रहा है, तो ये रिवर्स बायस हो गया. रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी इसमें होकर कोई करंट फ्लो नहीं होगी. तो यहां ये बैटरी से जो करंट जा रही है इस जंक्शन पे आने के बाद, एक ही रास्ता बचा, इधर जाएगी. इधर जाएंगे तो ये जो एलईडी लगी हुई है वो ग्लो करेगी. एलईडी ग्लो करेगी मतलब आउटपुट इज 1. व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज 1. पर अगर इन दोनों में से कोई भी 0 हुआ या दोनों 0 हुए तो जो 0 होगा वही फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. दोनों 0 तो दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे. इधर से 3 आ रहा है, इधर से 0, तो वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. सारे की सारी करंट इसमें होकर इधर आ जाएगी, उधर कोई करंट नहीं जाएगी, एलईडी ग्लो नहीं करेगी, यानी आउटपुट इज 0. तो इसके बेसिस पर मैं ट्रुथ टेबल बना सकता हूं. हाँ बोलो. दोनों सेम है और प्रैक्टिकल फैक्ट बताऊं तो एक ही बैटरी है उसी को जोड़ देते हैं, उसका पॉजिटिव आप जोड़ के रखते हैं फिर यहां से और जोड़ देते. अगर प्रैक्टिकल सर्किट बनाना है मुझे तो मैं सिर्फ 2 ही सेल इस्तेमाल करने वाला हूं. सेम 2 सेल, उसका पॉजिटिव यहां पे अवेलेबल है उसी को मैं जोड़ दूंगा और सबका नेगेटिव आपस में जुड़ा हुआ रहेगा. हाँ 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 बिल्कुल ऐसा ही है. प्रैक्टिकल अगर मुझे सर्किट बनाना है जिसमें मैं स्विच लगाकर ये दिखाना चाहता हूं कि ये किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं, एंड गेट की तरह.
तो मैं एक दो ही सेल से सारा काम कर दूंगा. इवन ये तो एंड है, मैं साथ में और भी बना दूंगा और का फंक्शन भी उसी सेल से चला दूंगा. यस सर. उन्हीं दो सेल्स मार्केट में मिलते हैं, 500 रुपए 1000 रुपए मांगते हैं. कितनी कॉस्ट आती है? 50 रुपए बनाना है तो. कंपोनेंट कॉस्ट इज 50 रुपीज ऑन. तो इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है हमको. ट्रुथ टेबल बनाओ. इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई. पॉसिबिलिटीज 0 0 0 1 1 0 1 1. प्रेडिक्टेबल है? Yes, सिर्फ यहाँ पे 1, बाकी यहाँ पर इस बच्चे को आश्चर्य हुआ मेरा रिएक्शन देखकर, जो मैंने बोला ना हाँ भाई हाँ करके. इस रिएक्शन के पीछे कारण है, ये जो सर्किट तुम देख रहे हो मैंने बनाए हुए हैं 1996 से लेकर 2003-04 तक. एक्चुअल में 1000 से ज्यादा सर्किट बनाए हुए हैं, एक एक टाइप के वर्किंग मॉडल. तो इसलिए ऐसा रिएक्शन हमको मिला. इसके बाद टाइमिंग डायग्राम में एक साथ डिस्कस करने वाले हैं. तो कॉम्बिनेशन नेक्स्ट. हाँ ट्रांजिस्टर नहीं आएगा. ट्रांजिस्टर तो नॉट गेट के लिए होता है. हाँ ट्रांजिस्टर सिर्फ नॉट गेट. वो लिखा ऐसे रहेगा यूजिंग ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन डायोड. तो पीएन जंक्शन डायोड से एंड और ट्रांजिस्टर से नॉट. पीएन जंक्शन डायोड से नॉट नहीं बता सकते हैं और ट्रांजिस्टर से एंड और नहीं बता सकते. ठीक है. हाँ सॉफ्टवेयर. तो ये गेट नहीं है, गेट के फंक्शन को रियलाइज करा रहा है ना. इसका जो सॉफ्टवेयर, इसका जो प्रोग्राम है वो एंड गेट है. ये तो एंड गेट नहीं है, इसका जो प्रोग्राम है वो एंड गेट. जो काम कर रहा है ना वो काम एंड गेट का कर रहा है. क्या हुआ? नहीं लगते भाई, नहीं लगते. तुम क्या खिचड़ी बना रहे हो? तुमने क्या होता है आध जल गगरी छलकत जाए नुकसान और हो जाता है. आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है. पूरा समझ लो उसके बाद तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. नहीं करते भाई. लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स. नेक्स्ट आर्टिकल. मैं जो कुछ तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में मैं श्योर. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स. तो अगर इन तीन फंडामेंटल गेट्स को कंबाइन किया जाए तो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कौन से कॉम्बिनेशन फ्रूटफुल होंगे, यूजफुल होंगे. तो बोलकर देखते हैं. जैसे पहले बोलकर देखा था. अगर मैं कहता हूं नॉट और, तो नॉट और का मतलब होगा जो और का आउटपुट है वो नहीं. नॉट और. अगर मैं कहता हूं नॉट एंड, तो जो एंड का आउटपुट है वो नहीं. अब मैं नॉट को और के पहले नहीं लगा सकता क्योंकि नॉट में एक इनपुट है, पर और का जो आउटपुट है वो एक ही है. वो मैं नॉट को एज इनपुट दे सकता हूं, यानी और के बाद में नॉट लगा सकता हूं. अगर और के बाद नॉट लगा देता हूं तो ये सब उल्टे हो जाएंगे. जीरो का वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा. एंड के बाद नॉट लगा देता हूं तो नॉट का असर ही, और नॉट को कंबाइन कर सकते हैं कुल मिलाकर. तो नॉट को अगर और के साथ मिलाता हूं तो उसको बोलते हैं नॉट. नॉट को एंड के साथ मिलाता हूं तो बोलते हैं नेट. दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. तीसरे के लिए अगर सोचें क्या एंड और को कंबाइन कर सकते हैं, तो अगर मैं एंड और बोलता हूं या और एंड बोलता हूं, लिंक करता हूं वो एग्जांपल जो कल तुम्हें बताया था शादी के कार्ड वाला. तो
हम समझ सकते हैं कि और लॉजिक को एंड के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, मीनिंगफुल नहीं, तो बस दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में फर्स्ट लिखने में लिखेंगे नॉट को पहले और को बाद में, पर जब बनाएंगे तो नॉट बाद में लगाते हैं और को पहले। तो इसका जो लॉजिक सिंपल होगा, और गेट दो इनपुट एक आउटपुट। जब भी नॉट गेट किसी गेट के साथ जुड़ता है तो नॉट का ट्राइंगल ना जुड़कर नॉट के ट्राइंगल के आगे जो सर्कल है सिर्फ वही जुड़ता है, दिस इज नॉट। तो अब ये जो सिंबल है ये बन गया नॉर गेट के लिए, नॉर गेट का लॉजिक सिंबल। बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो और गेट का था a प्लस बी, यहां तक a प्लस बी, इसके बाद ये नॉट लग गया तो बार सब कुछ लॉजिकल है, तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसके लिए रियलाइजेशन सर्किट बनाता हूं तो तुम्हें याद होगा पैरेलल में की लगाई थी हमने और के लिए रिलेशन सर्किट में, तो अब भी पैरेलल में लगाएंगे पर पैरेलल में नॉट गेट की तरह लगाएंगे। नॉट गेट की तरह लगाने का मतलब शॉर्ट सर्किट करते हो। अगर मैंने कीज को ऐसे लगाया नॉट गेट की तरह शॉर्ट सर्किट करते हुए सप्लाई जा रही है बल्ब को, आउटपुट वाई, इनपुट ए, इनपुट बी, तो तुम जज करके देखो किसी भी की को ऑन किया क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा सर्किट, बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो किसी एक को भी ऑन कर, केवल एक ही सिचुएशन में बल्ब जलेगा जब दोनों जीरो होंगे, वेरीफाई कर लो दोनों जीरो है तो आउटपुट वन, बल्ब जल जाएगा। किसी को भी ऑन करूंगा बल्ब नहीं जलेगा। तो ये नॉर गेट की तरह काम कर रहे हैं ये सर। तो जो एग्जाम वाला सर्किट था वो इसमें नहीं पूछा जाता इतना बड़ा सर्किट, फिर भी तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा वाला जो तुमने और के लिए बनाया था जिसमें पी साइड पहले था, उसके जो आउटपुट वाई है, अगर तुम वो ट्रांजिस्टर वाला जो नॉट गेट के लिए बनाया था उससे जोड़ दो, वाई को किससे जोड़ दो, ए से, जो तुमने ट्रांजिस्टर वाला बनाया था, तो ये वाला सर्किट बन जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर को। ट्रुथ टेबल बना लो, तुम अपने आप भी बना सकते हो स्पीडली बिना बोर्ड पे देखे बना डालो। चार संभावना 0001 1011, जो और में होता था उससे अलग 1000। तो अगला जो कॉम्बिनेशन है नॉट प्लस एंड है। मैं देख रहा हूं ये जो बच्चे बोर्ड पे देखते हैं फिर कॉपी करते हैं, एक लाइन देखते हैं फिर कॉपी करते हैं, तो आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो, क्या मुश्किल है समझ के लिखे तो क्या मुश्किल, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, दिमाग को जितना खर्च करोगे जितना काम करोगे उतना तेज होगा, उतना उतना शार्प होता चला जाएगा। शरीर के साथ भी यही है, हम आलसी हो जाते हैं और हमारी वर्किंग एबिलिटी कम होती चले जाती है, और जितना काम में लेते हैं उतना हमारी वर्किंग एबिलिटी बढ़ती चले जाती है। हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करो, तो दिमाग हमेशा इस्तेमाल करो, इन्वॉल्वमेंट शो करो। तुम अभी तक कई बच्चों ने तो बना भी दिया होगा, एंड देखो ज्यादा नंबर आने वाले और कम नंबर आने वाले बच्चों में बस इतना अंतर होता है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और कम अंडरस्टैंडिंग इतना से अंतर होता है। एंड में दो इनपुट, नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया तो सर्कल जुड़ेगा बन गया नेट। अगर बुलियन एक्सप्रेशन लिखूंगा, एंड का बुलियन एक्सप्रेशन था ए इंटू बी, नॉट लग गया तो बार। रिलेशन सर्किट बनाऊंगा, लॉजिकली सोचो कीज को सीरीज में लगाना है, एंड के लिए सीरीज में तो लगाना है बट नॉट के फैशन में लगाना है, यानी शॉर्ट सर्किट करते हुए लगा दो, पहले बल्ब तक सप्लाई पहुंचाओ,
दो की लगा दो ए एंड बी, हाँ एंड के लिए सीरीज में थी ना, और नॉट के लिए शॉर्ट सर्किट करते हुए नॉट और एंड दोनों को जोड़ा है, फंक्शन वेरीफाई कर लो। अगर जैसे ही मैं दोनों को ऑन करता हूं, बताओ बल्ब जलेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट बंद हो जाएगा। दोनों को ऑन करने का मतलब ये राइट की तुक टेबल, दोनों को ऑन करने का मतलब वन था तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, वो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नैंड गेट में जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल थी, मैं देखो बाकी लोगों जैसा तुम रिएक्ट करो तो नॉर्मल पर्सन में और तुम्हें कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या तुम ऑर्डिनरी बने रहना चाहते हो? नो सर। मैं समझता हूं हम में से हर एक स्पेशल है, हम में से हर एक स्पेशल है, तो हमें ऑर्डिनरी बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट में सबसे ज्यादा जो जरूरत है जिस प्रॉपर्टी की, वो है सिंसियरिटी, गंभीरता। किसी भी चीज को सीखने के लिए सिंसियरिटी मस्ट है। तो अगर नैंड गेट के लिए मैंने ट्रुथ टेबल बनाई तो ट्रुथ टेबल कैसे दिखेगी? क्योंकि वो दूसरा वाला डायग्राम बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इसका आउटपुट दे दूंगा नॉट को। प्रेडिक्टेबल अपने आप कर सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है, सीधे ट्रुथ टेबल बना लो। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, यहां जीरो बाकी। तो दिस इज नैंड गेट, इसको लिख भी दो यहां पे, इक्वल टू नैंड इक्वल टू नॉट। अब हम इन सबके लिए कंबाइन करके टाइमिंग डायग्राम बना लेते हैं। टाइमिंग डायग्राम पे बहुत से सवाल आते हैं, टाइमिंग डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे तुमने नॉट गेट के लिए बनाया था तो तुमने टाइम के साथ एक सिग्नल ए का वेरिएशन दिखाया था, फिर उसके रिस्पेक्टिव उसको नॉट को इनपुट देकर वाई दिखाया था, वाई का वेरिएशन टाइम के साथ। ये जितने भी गेट है इसमें दो दो इनपुट है, तो हमें दो का वेरिएशन दिखाना होगा, ए का भी और बी का भी। वो मैं मन से कैसा भी बना सकता हूं, एग्जाम में तो दिया हुआ रहेगा, तुम चाहो तो जैसा मैं बना रहा हूं उससे डिफरेंट बना के कर सकते हो, गलत नहीं होगा। माना कि हेडिंग लगा दो ऊपर तो टाइमिंग डायग्राम, माना कि जो सिग्नल ए है ये उसका जीरो लेवल है और ये उसका वन लेवल है, और इसका जो वेरिएशन है सिग्नल ए का वो कुछ ऐसा है, कुछ समय तक वन पर, फिर जीरो पर, फिर वन पर, फिर जीरो पर। जो सिग्नल बी है ये जीरो लेवल है, उसका ये वन लेवल है। इसका वेरिएशन भी मैं मन से ले रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हो रहेगा, तुम इससे डिफरेंट भी बना सकते हो जैसा मैं बना रहा हूं। माना कि ये कुछ टाइम जीरो पर रहता है, फिर कुछ टाइम वन पर रहता है, फिर जीरो पर चले जाता है। नीचे जगह चाहिए क्योंकि इसी में रिजल्टेंट बनेंगे। तो अगर मैं ये दो इनपुट नॉट को दूं, एंड को दूं, नॉट को नहीं सॉरी, नॉट को दे नहीं सकता, नॉट में तो एक ही इनपुट है, एंड को दूं, और को दूं, नेट को दूं, नॉट को दूं, तो आउटपुट कैसा होगा उसका अंदाजा मुझे लगाना है। उसके लिए मैं प्रोजेक्शंस लेता हूं, वर्टिकल प्रोजेक्शंस, चेंजेस को प्रेडिक्ट करने के लिए। जहां जहां ए में कोई चेंज आ रहा है वहां से भी, जहां जहां बी में कोई चेंज आ रहा है वहां से भी। इससे हम इस पूरे डायग्राम को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग हिस्सों में। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो रेंज देते हैं तुमको, बोलते T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, टाइम की रेंज देते हैं। रेंज की बजाय अगर हम नंबर से उसको डिनोट करें तो समझने में आसानी होगी। ये हो गया रीजन 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ज्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे। छह रीजन में मैंने बांट दिया,
जिसमें चेंज आ रहा है ए में या फिर बी में. अगर मैं ये दोनों इनपुट और गेट को देता हूं और मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं और का आउटपुट कैसा होगा अगर ये दोनों इनपुट और को दिए जाएं, तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको बनाने के. एक बड़ा तरीका, लंबा तरीका, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, एक छोटा तरीका, दोनों समझा रहा हूं. बड़ा तरीका यह है कि मैं रीजन वन में देखता हूं बी जीरो है ए वन है. जब और को दो इनपुट देते हैं उनमें जीरो होता है एक वन होता है तो आउटपुट वन होता है, मतलब यहां पर रहेगा वन. फिर मैं देखता हूं रीजन टू में दोनों जीरो होते हैं तो आउटपुट जीरो लेवल, और गेट का आउटपुट जीरो दोनों जीरो होने पर. थ्री में एक वन एक जीरो है तो वन, फोर में दोनों वन है तो वन, फाइव में एक वन है तो वन, सिक्स में दोनों जीरो है तो जीरो. ये तो वो लंबा तरीका. शॉर्टकट क्या है, सीधे देखो तुम कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पर दोनों एक साथ जीरो है, तुम और का यूनिक फीचर पकड़ो. और का यूनिक फीचर क्या है, और की पहचान क्या है, सिर्फ तब जीरो होता है जब दोनों जीरो होते. तो तुम ढूंढो कौन कौन से रीजन में दोनों एक साथ जीरो है. टू एंड सिक्स, तो टू एंड सिक्स में जीरो पर बना दो बाकी सब जगह वन. अगर मुझे नॉर के लिए बनाना है और के लिए बना चुका हूं पता है, तो मैं सिंपली इसका इन्वर्ट कर दूंगा मिरर इमेज, क्योंकि जहां पर और होगा वन वहां पर नॉर होगा जीरो, और जहां पर वो जीरो होगा वहां पर वन. तो मैं बनाऊंगा इसका मिरर इमेज, ये नॉर के लिए हो गया टाइमिंग डायग्राम. अगर मुझे एंड के लिए बनाना है, जिन बच्चों के पास डिफरेंट कलर के पेन नहीं होते उनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए हल्के हाथ से लिखने की और फिर गड़ा के लिखने की. यानी वो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करें, लाइट एंड डार्क शेड्स का इस्तेमाल करें विद यूज ऑफ प्रेशर. अभी देखो एंड के लिए अगर मैं शॉर्टकट मेथड लगाना चाहता हूं तो एंड का यूनिक फीचर पकड़ते हैं, केवल तब वन होता है जब दोनों वन. ढूंढो दोनों एक साथ वन कहां कहां है, सिर्फ फोर में. तो फोर में एंड का आउटपुट रहेगा वन, बाकी सब जगह जीरो. तो यहां वन कर दो बाकी सब जगह जीरो. तो प्रेडिक्टेबल है नेट में क्या होगा, इसका उल्टा, जितने टाइम जीरो उतने टाइम वन, जितने टाइम वन उतने टाइम जीरो. जो जो बातें नहीं समझ में आई पूछ लो, जितना कुछ बोर्ड पर तुम्हें दिख रहा है इसमें जो जो समझ में नहीं आया ask your questions. मैंने तुम्हें क्लियर किया कि जैसा यहां दिख रहा है वैसा बनाना जरूरी नहीं है, हाँ लॉजिक को फॉलो करना जरूरी है. तुम ये डिफरेंट बना सकते थे इनपुट और उसके अकॉर्डिंग तुम लॉजिक लगाकर आउटपुट बना सकते हो. ये जो नेट गेट है और जो नॉर गेट है, इन दोनों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स. एक नंबर में सवाल बनता है तुमसे पूछते हैं यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, तो जवाब है इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके रिपीटेटिव यूज से एक नेट दो नेट तीन नेट एक नॉर दो नॉर तीन नॉर यूज करके हम फंडामेंटल गेट्स Not और and बना सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुमसे कहते बना के बताओ, सिर्फ नेट से and बना के बताओ, नेट से और बना के बताओ, नेट से not बना के बताओ. फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में,
तुमसे पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि अगर हमें नॉर्थ से सिर्फ नॉर्थ से एंड गेट बनाना है तो कितने नॉर गेट चाहिए ऑप्शन होता है 1 2 3 4 तो इन सब सवालों का जवाब टेबुलर फॉर्म में मैं तुम्हें तैयार करवा रहा हूं पहले स्टमक करके स्टेटमेंट लिखोगे नेट एनएनटी नेट कैपिटल में एंड का सिंबल वो एस वाला एंड का सिंबल नेट एंड नॉर आर इंडिविजुअली नेट एंड नॉर आर इंडिविजुअली कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स आर इंडिविजुअली कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स because by their repetitive use repetitive use we can obtain the fundamental gates by their repetitive use we can obtain the fundamental gates तो इसलिए इनको बोलते हैं यूनिवर्सल एज शोन करके डैश लगा दो वो ऑब्टेन करके मैं बता रहा हूं भाई मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ ये जो लाइट जाती है बार-बार अगर तुम बिना विचलित हुए लिखते रहो मेरी गारंटी है कहीं कुछ गलत नहीं सारी स्पेलिंग्स भी सही निकलेंगी तुम लिख सकते हो मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया सो गया नींद नहीं आ रही थी दिमाग चालू था दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव था और थॉट्स आ रहे थे कि मुझे ये करना है एक्चुअल में अगले दिन मेगा क्लास वहां पे लेनी थी तो मेगा क्लास में क्या सीक्वेंस होना चाहिए किसको कैसे रखें उसको लेकर थॉट्स आ रहे कि स्लाइड्स को मैं कैसे डिजाइन करूं तो मैंने क्या किया वो छोटे-छोटे पैड होते हैं राइटिंग पैड छोटे वाले और रख लिया अपने पास पेन रख लिया उतारा हाथ ऐसे फैला लिया राइटिंग पैड तक पहुंच होगी पता चल जाता है अभी पेज है पेज शुरू से आखिर से काम जो भी आया बिना लाइट के आराम से सोते-सोते मैंने उसमें लिखा अगले दिन सुबह उठकर दिखाओ मेरे पास है राइटिंग पैड अभी मतलब यहां नहीं घर पे अभी वो कंप्यूटर वाले उसमें बैग में लैपटॉप वाले बैग में तो उस पे तुम देखोगे तो लगेगा कि हां भाई उजाले में लिखा होगा ऐसे लिखा हुआ है इवन एक वर्ड दूसरे वर्ड पे ओवरलैप भी नहीं हुआ है कुछ भी मतलब ऐसा लगता है तो तुम ये एक्सपेरिमेंट करके देखो बहुत आसान है ये पॉसिबल है क्योंकि तुम इतना लिख चुके होते हो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद उजाला अंधेरा मैटर नहीं करता तो मल्टीप्लेक्स है और मल्टीप्लेक्स में तीन स्क्रीन है मल्टीप्लेक्स तीन स्क्रीन तीन फिल्म लगी हुई है पहली फिल्म का नाम है नॉट दूसरी है और तीसरी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं जो कास्टिंग है नेट एज हीरो नॉर एज हीरोइन और सिंगल नहीं सिंगल के अलावा डबल रोल ट्रिपल रोल तक है यहां पर नेट को रोल प्ले करना है नॉट का यहां पर नेट रोल प्ले करेगा और यहां पर एंड का नॉर नॉट का और का एंड का की नहीं है भाई मेरी हिंदी रोल तो का ही है शब्द रोल के लिए आएगा रोल प्ले करना है
रोल का है, की नहीं है, है ना? मेरी हिंदी को चैलेंज मत करना। अबे पता है नॉट का यूनिक फीचर क्या है? नॉट का यूनिक फीचर है सिंगल इनपुट। तो अगर मैं नेट से नॉट बनाना चाहता हूं तो ये नेट गेट है। मैंने क्या किया, इसके दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इनपुट ए, आउटपुट वाई। चेक करता हूं क्या नॉट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं जीरो इनपुट देता हूं, क्योंकि दोनों को कॉमन कर दिया, इधर से भी जीरो इधर से भी जीरो जाएगा। इस सर्कल से पहले पहले ये एंड गेट है। अगर एंड को दोनों मिलते हैं जीरो, तो एंड का आउटपुट जीरो, फिर नॉट लग गया तो वन। तो जीरो देने पर क्या मिलेगा, वन। वन दे दो, वन दूंगा तो दोनों से वन जाएगा, वन जाएगा तो एंड का आउटपुट वन, नॉट लग गया तो जीरो। तो जीरो देने पर वन, वन देने पर जीरो, किसकी तरह काम कर रहा है, नॉट की तरह। मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू a बार। तो नेट से नॉट बनाने के लिए हमको एक नेट गेट चाहिए। सेम लॉजिक में नॉर के लिए लगाता हूं। अगर मुझे नॉर से नॉट बनाना है तो नॉर गेट के जो दो इनपुट हैं उनको मैं शॉर्ट कर देता हूं, कॉमन कर देता हूं। तुम चेक करके देखो क्या ये नॉट की तरह काम कर रहा है। अगर तुमने इधर वन इनपुट लगाया, दोनों से वन जाएगा, और का आउटपुट वन, नॉट लग गया तो जीरो। अगर तुमने जीरो दिया, दोनों से जीरो जाएगा, और का आउटपुट जीरो, नॉट लग गया तो वन। यानी नॉट की तरह काम कर रहा है। तो नॉट से नॉट बनाना, तो एक नॉर गेट चाहिए। अब मैं नॉर से और बनाना चाहता हूं, नॉर से और, यानी ये वाला ब्लॉक। लॉजिक ये है कि और से नॉर बनाने के लिए हमने क्या किया था, नॉट लगाया था। अब मैं चाहता हूं उस नॉट का असर खत्म हो जाए। तो जहर ही जहर के असर को कम करता है, खत्म करता है। तो अगर मैं नॉर में वापस से नॉट जोड़ दूं तो क्या होगा, नॉट का असर खत्म हो जाएगा। पर मुझे सिर्फ नॉर गेट का इस्तेमाल करना है। यहां जो हीरोइन है उसने कंडीशन रखी है डायरेक्टर के सामने, जितने भी रोल है सिर्फ मुझे ही प्ले करने हैं, किसी और को हीरोइन को साथ में नहीं लेना। तो सिर्फ नॉर गेट ही रोल प्ले कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये नॉर, इसके दो इनपुट। अब मैंने इसको यहां से कॉपी किया, कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया, है ना? कट पेस्ट नहीं किया, कट पेस्ट करूंगा गायब हो जाएगा। कॉपी पेस्ट, आउटपुट हुआ है। नॉर में नॉट लगाना था तो नॉट की जगह मैंने लगाया नॉर एक्टिंग एज नॉट। ये नॉट जो नॉट की तरह काम कर रहा है उसको लगा दिया। अब मैं अगर इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाता हूं तो पूरी की पूरी ट्रूथ टेबल मैच हो जाएगी और गेट से। कोई एक इनपुट टेस्ट करते हैं, मान लो ए जीरो दिया, बी वन दिया, और का आउटपुट वन, नॉट लग गया जीरो। ये पूरा नॉट है वन, जीरो वन देने पर वन। एंड गेट में तो नहीं आता, और में आता है। अगर मुझे बस ये पहले से पता है कि या तो एंड है या तो और है, तो मैं तय कर सकता हूं जीरो वन से कि ये और है। जो लॉजिक लगाकर हमने नॉर से और बनाया, वही लॉजिक लगाकर तुम नेट से एंड बना दोगे, बना दो नेट से एंड। लॉजिकली नहीं के नहीं का मतलब हां होता है। अगर किसी ने दो बार नहीं बोल दिया, इट मींस यस, लॉजिकल। इनपुट ए एंड बी, नॉट जोड़ना है तो मैं ये जोड़ूंगा, क्योंकि सिर्फ नेट गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट एक्टिंग एज नॉट, यहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया। आउटपुट वाई, ये काम करेगा एंड गेट की तरह। वाई इक्वल टू ए इंटू बी, ये काम करेगा और की तरह। वाई इक्वल टू ए प्लस बी, वेरीफाई करना है। जीरो वन इनपुट लगाया मैंने,
0, 1. AND का आउटपुट 0, NOT लग गया 1. 1 से NOT लग के 0. ऐसा AND में होता है, 0, 1 का आउटपुट 0. पर पूरा पक्का वेरिफिकेशन करना है तुमको, तो क्या करोगे, पूरी ट्रुथ टेबल बनाओगे, सारे इनपुट लगाकर देखोगे आउटपुट क्या है, और वो ट्रुथ टेबल जिस गेट से मैच हो जाएगी, तुम बोलोगे हाँ ये उसकी तरह काम कर रहा है। अब ये दो बचे, यहां तक तो सब लॉजिकल था, आसान था, ये तुम्हें डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इसमें भी तीन गेट काम आएंगे, इसमें भी तीन गेट काम आएंगे। अगर मुझे नेट से और बनाना है तो इसका शॉर्टकट सिंबल यहां छोटा सा ऊपर बना रहा हूं मैं, तुम भी वहीं पे बना लोगे छोटा सा ऊपर, ये नेट। अगर मैं इस नेट को दो नॉट से इनपुट देता हूं तो ट्रुथ टेबल बनाकर तुम देख सकते हो ये काम करेगा और किधर। पर हमें तो सिर्फ नेट गेट इस्तेमाल करने हैं, यानी ये दोनों नॉट भी क्या होने चाहिए, नेट। तो डिटेल डायग्राम जो है वो ऐसा दिखेगा, ये नेट गेट और इसको हम इनपुट देंगे दो नेट गेट से जो कि नॉट की तरह काम कर रहे हैं, नेट एक्टिंग एज नॉट ए। हाँ, ये तो सिर्फ दो इनपुट में सारी प्रोसेसिंग, दो इनपुट के लिए प्रोसेसिंग है सारी, तीन इनपुट होंगे तो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होगा। तो इसमें तो डील ही नहीं करना तुम्हें किसी भी कंपटीशन के लेवल पे, तीन इनपुट डील करना तो ट्रुथ टेबल के लेवल पे, ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसके लिए अगर मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिखता हूं, ये ए नॉट से निकलकर ए बार बनेगा, ये बी नेट एक्टिंग नॉट से निकलकर बी बार बन जाएगा, ए बार और बी बार एंड के थ्रू जुड़कर, एंड क्या करता है इनटू कर देता है, और क्या करता है प्लस करता है। तो अगर मैं यहां वाइकली एक्सप्रेशन लिखूं तो एक्सप्रेशन बनने वाला है ए बार इनटू बी बार, फिर ये सर्कल नॉट होल बार, नॉट क्या करता है बार लगा रहा है, तो ए बार इनटू बी बार का होल बार। पर हमें पता है किसकी तरह काम कर रहे हैं, और की तरह, और का बूलियन एक्सप्रेशन, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी इसके बराबर होगा, ए बार इनटू बी बार का होल बार इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे नहीं, पर डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम का एक फॉर्मेट ये है जो यहां पर देख रहे हो, सिमेट्री मेंटेन करते हुए तुम समझ सकते हो यहां पर नॉर से अगर एंड बनाना है तो क्या करना होगा, वेरिफिकेशन ट्रुथ टेबल बना के होगा, इस नॉर को तुम इनपुट दो दो नॉट से तो ये बिहेव करेगा लाइक एंड गेट। तो तीन नॉर गेट चाहिए हमको, एक नॉर गेट को इनपुट लगाओगे दो नॉर एक्टिंग एज नॉट, इनपुट ए इनपुट बी आउटपुट वाई, फिर इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखोगे जैसे यहां लिखा ए नॉर एक्टिंग एज नॉट से निकलकर बनता है ए बार, बी नॉर एक्टिंग एज नॉट से निकल के बनता है बी बार, ए बार और बी बार में और ऑपरेशन लगता है तो मैं लिख सकता हूं y equal to a bar plus b bar, फिर लगता है not whole bar, पर ये तो end gate है, equal to a into b, this is another format of d morgan's theorem, ये और ये दो format है d morgan's theorem boolean algebra। यहां पे हाँ ये गलत है,
बोलना भी तो पड़ेगा. यू हैव टू से इट कॉन्फिडेंस. ट्राई नेक्स्ट टाइम. तो ये हमने सीख लिया कि कितने नेट या कितने नॉट चाहिए. सीख लिया कैसे जोड़ने होंगे. इतनी थ्योरी अगर तुम जानते हो देन लॉजिक गेट्स ओवर. एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन है तुम सारे कर सकते हो. सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इतनी जानकारी के बाद. पर कुछ एक तरह के क्वेश्चन जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है वो एडिशनल में और करवा रहा हूं. एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे. तुम्हें कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाकर दे दिया, कुछ गेट्स जोड़ रखे हैं उसमें. तुमसे बोलेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रुथ टेबल बनाओ. तुमसे बोलेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखो. तो उसकी प्रैक्टिस में तुम्हें करवा रहा हूं. गेट कैसे काम करता है वो भी समझा रहा हूं. मतलब गेट का प्रैक्टिकल यूज क्या. अभी तक हमने खाली सीखा है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझो. कि जो मैंने बोला सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखो. वैसे रियलाइजेशन सर्किट हमने देखे. स्टार इन बॉक्स नॉट इन सिलेबस. एक्स और जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट. इस नाम से नहीं पूछा जाएगा कभी भी तुमसे. हाँ इसका सर्किट बनाकर बोल सकते हैं, इसके लिए तुम ट्रुथ टेबल बनाओ. इसका जो सिंबल है और गेट का सिंबल बनाओ. दो इनपुट एक आउटपुट, उसको एक आर्क से काट दो. ये तुम्हें याद नहीं रखना है, ये पूछा नहीं जाएगा. पर क्योंकि हम लिख रहे हैं एक्स और गेट इसलिए मैंने सिंबल बना दिया. एक आर्क से काट दिया तो एक्स और गेट का सिंबल बन गया. एक्सक्लूसिव और गेट. इसका डिटेल डायग्राम, इसमें पांच गेट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे. वो पांच गेट किस तरह से जुड़े हुए हैं. एक और गेट, उस और गेट को सप्लाई दे रहे हैं दो एंड गेट. इन एंड गेट के दो जो इनपुट हैं उनमें से एक इनपुट डायरेक्ट जाएगा, एक इनपुट नॉट गेट के थ्रू जाएगा. एक नॉट के थ्रू, दूसरा डायरेक्ट. तो कुल मिलाकर पांच गेट तुम्हें नजर आ रहे हैं. दो नॉट है, दो एंड है और एक और है. ये मिलाकर बनता है एक्स और. यानी एक्स और भी क्या है, कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल गेट्स का. जितने भी और कॉम्बिनेशन सब फंडामेंटल गेट्स को जोड़ जोड़ के बनते हैं अलग अलग तरह से. अब ये कॉम्बिनेशन फ्रूटफुल कैसे है वो सब समझेंगे. तुमसे कहते हैं इसके लिए ट्रुथ टेबल लिखो, इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन लिखो. तो अगर मैं बुलियन एक्सप्रेशन बनाता हूं इसके लिए, तो लॉजिकली समझ से जाओ कैसे बनेगा. फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे बार बार गर्दन ऊपर उठाते हैं फिर लिखते हैं फिर उठाते हैं, थोड़ी सी रैंप बढ़ाओ, कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो, एक बार ध्यान से देख लो. सिमेट्री है, सिमेट्री को पकड़ो. और सिमेट्री को दिमाग में रखते हुए कम से कम बार गर्दन उठाए बनाने की कोशिश करो. विश्वास रखो अपने ऊपर, बना पाओगे तुम. मुश्किल नहीं है, आसान है. ये ए नॉट से निकल कर क्या बना, ए बार. ये ए डायरेक्ट जा रहा है, ये बी नॉट से निकल कर बी बार, और यहां पर बी डायरेक्ट जा. ए बार और बी के बीच एंड लग गया प्रोसेस. तो एंड का जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा ए बार इंटू बी, और यहां नीचे ए इंटू बी बार. फिर इन दोनों के बीच और प्रोसेस लग गया तो वाई जो मिलने वाला है मुझे मिलेगा ए बार इंटू बी. और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है इंटू ए इंटू बी बार. ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया एक्स और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन. अभी तक हम ट्रुथ टेबल बनाते आ रहे थे
सर्किट से सिंबल से अभी बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बना देते हैं क्योंकि दो इनपुट हैं तो ट्रुथ टेबल में दो कॉलम तो तुम ऐसे ही भर सकते हो इनपुट ए इनपुट बी आउटपुट वाई चार संभावनाएं देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज 0 0 0 1 1 0 1 1 इस बूलियन एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज रखकर देखते हैं आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट केस जब दोनों 0 हैं ए भी 0 बी भी 0 ए की जगह 0 रखा 0 का बार 1 into 0 0 into 1 हम जानते हैं 1 into 0 is 0 and 0 plus 0 is 0 यहां पे क्या लिखता हूं 0 नहीं समझ में आया पूछ लेना आप पकड़ और अगर समझ में आ गया तो सेकंड के लिए कर सकते हो सेकंड केस हां वेरी गुड 0 और 1 रखा मैंने तो 0 का बार 1 into 1 plus 0 into 0 1 into 1 is 1 0 into 0 is 0 1 plus 0 is 1 थर्ड केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ सिमेट्री है यहां पर उल्टा सीधा एक जैसा है तो नेचुरल है जो 1 0 का आया 0 1 का आया वही 1 0 का हां सही है लास्ट वाले के लिए इट इज 0 तो इस गेट की खास बात क्या है कि जब दोनों इनपुट अलग होते हैं डिफरेंट होते हैं तो इसका आउटपुट हाई होता है और जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो इसका आउटपुट लो होता है तो ये क्या चीज डिटेक्ट करेगा ये डिटेक्ट करेगा व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट यहां तक कोई डाउट इसमें मॉडिफिकेशन लगाकर स्लाइट मॉडिफिकेशन लगाकर तुम्हें सिर्फ समझना है अलग से बना लेना बाद में मैं इसको कर सकता हूं x nor क्या-क्या करना होगा अगर x nor बनाना चाहता हूं सर्कल आ जाएगा यहां पर एक नॉट गेट आ जाएगा या सर्कल बना दो या नॉट गेट ट्रायंगल वाला पूरा बना दो यानी 6 गेट हो जाएंगे यहां पर क्या आ जाएगा होल बार ट्रुथ टेबल में क्या चेंज आ जाएगा 1001 this is out of output of XOR and this is output for XNOR अब इसका यूज क्या है टू वे स्विच समझते हो टू वे स्विच उस स्विच में पीछे तीन टर्मिनल होते हैं तीन कनेक्टर्स होते हैं उस स्विच पर ऊपर एक डॉट लगा होता है नीचे एक डॉट लगा होता है ऊपर भी ऑन हो जाता है ऊपर करो तो भी ऑन हो जाता है नीचे करो तो भी कई बार ऑन हो जाता है दोनों साइड ऑन ऑफ होता है बैक साइड स्विच भी बोलते हैं स्टेयर केस लाइटिंग भी बोलते हैं सीढ़ी में एक स्विच नीचे लगा दिया एक स्विच ऊपर लगा दिया नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं उस लाइट को और ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं एक स्विच लगा रखा है मेन स्विच बोर्ड में एक लगा है बैक साइड स्विच बोर्ड में सोने गए तो वहीं से लाइट बंद कर दिया वहीं से लाइट चला दिया तो उसमें सिस्टम क्या होता है उसका सॉफ्टवेयर क्या है तो जवाब है उसका सॉफ्टवेयर है या तो XOR गेट या तो XNOR गेट तो मैं उसका रियलाइजेशन सर्किट बना के बता रहा हूं तुमको पहचानना है कौन सा XOR का है कौन सा XNOR का है या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा बीच में चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्ट जवाब नहीं देना है जवाब देने के लिए तुम्हें हाथ ऊपर करना है ये पहला स्विच तीन कनेक्टर इसमें है ये दूसरा स्विच दोनों टू वे स्विच है इसमें भी तीन कनेक्टर है पीछे बल्ब जलाने के लिए जो बल्ब है हमने क्या किया ऊपर वाले को ऊपर वाले से जोड़ दिया नीचे वाले से जोड़ दिया कनेक्टर वायर है कनेक्टिंग वायर्स ये वाला टर्मिनल बल्ब को दे दिया जो एसी सोर्स है उसमें एक होगा लाइव वायर एक होगा न्यूट्रल न्यूट्रल डायरेक्ट दिया जाता है अप्लायंस को लाइव वायर स्विच के थ्रू ये स्विच कैसे काम करता है अगर मैंने ऊपर की तरफ
है वो ऊपर से कनेक्ट कर देगा नीचे की तरफ रखा तो बीच वाले को नीचे से जोड़ देगा इन दोनों के बीच कांटेक्ट बनेगा इन दोनों मान लो ऊपर वाले पोजीशन को मैं 0 कहता हूं नीचे वाले पोजीशन को 1 सिमेट्रिकल इधर भी तो तुम्हें सोच के जवाब देना है कि ये सर्किट x और को रियलाइज करा रहा है या x नॉर को तुम्हें से जो लोग कॉन्फिडेंट हैं वो हाथ ऊपर करके बता सकते हैं whether x और x नॉट both इन्होंने बोला x और जो लोग सहमत नहीं है वो अपना पक्ष रख सकते हैं तुम्हें से कोई अगर ये कहना चाहता नहीं x और नहीं x नॉर है तो तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तुम खुद बदल गए अच्छा इसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया चलो ठीक है तुम्हारी बात मान ली x नॉर है अब अगर तुम इसको कन्वर्ट करके बता दो x और के लिए क्या माइनर चेंजेस करने होंगे तो पेन तुम्हारा व्हाट शुड वी डू टू मेक इट वर्क एज x और किसको किस में स्विच में हाँ ये बच्चा सही बोल रहा है वेरी गुड अगर मैंने वायर्स को क्रॉस कर दिया स्विच में जो तीन वायर्स हैं अगर मैं कनेक्शन इस तरह से बनाने की बजाय ऐसे बना देता हूं ये ऐसे घुमाने का मतलब क्या होता है टच नहीं कर रहे नॉट कनेक्टेड न्यूट्रल लाइव एल स्टैंड्स फॉर लाइव एन स्टैंड फॉर न्यूट्रल 0 1 0 1 सो नाउ इट इज एक्स और दिस इज एक्स नॉट Staircase lighting, please pass on. समझ लो कैसे? अगर दोनों जीरो हैं, इसको भी ऊपर कर दिया, इसको भी ऊपर, दोनों जीरो हैं, तो न्यूट्रल तो मिल गया, लाइव यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से इधर जाएगा, ये भी कनेक्टेड है, यहाँ से चलेगा, बल्ब जलेगा, यानी आउटपुट क्या आएगा? One. दोनों जीरो होने पर आउटपुट वन आने का मतलब कौन सा गेट है एक्स नॉट किसी एक को भी वन कर दो इनमें से जीरो हो जाएगा और यहां पर क्या होगा अगर दोनों जीरो करोगे तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा आउटपुट इज जीरो इधर चलेगा ना कनेक्शन yes, तो यहां डिसकंटिन्यूटी आ गई तो स्टेयरकेस लाइटिंग कैसे काम करती है तुम सीढ़ी में नीचे खड़े हो चढ़ के ऊपर जाना है तुम चाहते हो बल्ब जला दो और ऊपर जाकर बंद कर दो तो अभी बल्ब नहीं जल रहा है तुम शाम के समय घर पे पहुंचे सीढ़ी पे नीचे खड़े हो कमरा तुम्हारा ऊपर है तो अब सिचुएशन क्या हो सकती है बल्ब नहीं जल रहा है अगर मान लो वो एक्स और पे काम कर रहा है तो सिचुएशन होगी या तो दोनों स्विच 0 0 है या तो दोनों स्विच 1 1 है तुम्हारी रीच में स्विच ए अगर 0 0 है तो तुमने स्विच ए को ऑपरेट किया 0 की बजाय क्या कर दिया 1 तो अभी हो गया 1 0 यानी ये सिचुएशन 1 0 होते बल्ब जल गया अब तुम ऊपर पहुंच गए जहां पे तुम्हारी रीच में स्विच बी है तुम्हारी पहुंच में स्विच बी अब तुमने क्या किया वो 0 था उसको तुमने ऑपरेट किया ऊपर या नीचे जो भी तो अब क्या कर दिया उसको 1 तो दोनों क्या हो गए 1 1 दोनों 1 1 होते क्या हो गया बल्ब बंद हो गया ऐसे तुम समझ सकते दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम मंडे से पढ़ेंगे संडे को स्पेशल क्लास नंबर 4 सुबह 7 से 9 यहीं पर जो लोग आ सकते हैं जरूर आए उसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे 2016-2015 के रिलेटेड टू लॉजिक गेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये यूनिट खत्म होती है यूनिट नंबर 9 इज ओवर यूनिट नंबर 10 मंडे टू थर्सडे वो चलेगी फिर उसके नेक्स्ट वीक रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर कैमरा बंद करो हाँ काम